कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे वसुंधरा के करीबी। बगावत के डर से राजस्थान में उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर रही है बीजेपी। वसुंधरा के बिना राजस्थान जीतना बीजेपी के लिए होगा मुश्किल। वसुंधरा की नाराजगी का असर अब दिखाई देने लगा है। धीरे धीरे कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल गई है। करीब 4 महीने पहले तक कांग्रेस को मुकाबले में भी नहीं माना जा रहा था। दावा किया जा रहा था कि कर्नाटक की हार से बीजेपी सबक लेगी, जो गलतियां हुई हैं उसे सुधारेगी, संघ ने जो राय दी है उसे स्वीकार करेगी। लेकिन राजस्थान में बीजेपी की रणनीति से साफ है कि पार्टी कर्नाटक की रणनीति पर ही राजस्थान में भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कर्नाटक में पार्टी ने येदियुरप्पा को पूरी तरह से किनारे लगा दिया था। 35% उम्मीदवार बिल्कुल नए मैदान में उतार दिए थे, जो येदियुरप्पा विरोधी खेमे के थे। येदियुरप्पा समर्थकों के टिकट काट दिए गए थे। परिणाम आए तो बीजेपी की पूरी जमीन ही खिसक चुकी थी और अब कर्नाटक में बीजेपी को बचाने की कोशिश चल रही है और जो रणनीति बीजेपी ने कर्नाटक में अपनाई थी उसी को अब राजस्थान में दोहरा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी अब यह मानने लगे कि हम जीती बाजी हारने जा रहे हैं। जो राज्य बड़े आराम से बीजेपी खाते में आ रहा था उसे थाली में सजाकर कांग्रेस को दिया जा रहा है। हाईकमान ये मानकर चल रहा है कि राजस्थान में 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज है, कुछ भी नहीं करेंगे तो भी जनता बीजेपी को ही चुनेगी। लेकिन हाईकमान की गलतफहमी चुनाव के बाद निकल जाएगी। जिस तरह से अशोक गहलोत ने वापसी की है वैसे इसे गहलोत की वापसी नहीं बीजेपी की गलतियां ही कहा जाएगा। जो चुनाव के समय कांग्रेस के खिलाफ चलने वाली लहर का वो फायदा उठाने को तैयार ही नहीं दिख रही है। हाल ही में आए एक मीडिया एजेंसी के सर्वे ने साफ कर दिया है कि आज चुनाव होते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस बहुमत के पार चली जाएगी और 1 साल में पहला सर्वे है जिसमें कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दी है। वैसे तो 3 महीने में जितने भी सर्वे आए हैं उसमें धीरे धीरे कर कांग्रेस मजबूत होती बताई जा रही है और अब वो बहुमत के पार भी पहुंच गई है। दावे यहां तक हो रहे हैं कि चुनाव तक हालात कर्नाटक जैसे हो जाएंगे। जिस तरह कर्नाटक में बीजेपी मुकाबले से बाहर हो गई थी वैसे ही वो राजस्थान से भी मुकाबले से बाहर हो जाएगी। वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी ने किनारे लगा दिया है, वो परिवर्तन यात्राओं में भी नहीं दिख रही है और वसुंधरा करीबियों के टिकट भी काटने की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में वसुंधरा करीबी अब कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं और कांग्रेस में उन विधायकों को अपने पाले में करने की तैयारी कर रही है जहां वो 20-30 साल से चुनाव नहीं जीत पाई है। 60 साल तक कांग्रेस के विरोध में राजनीति करने वाले कैलाश मेघवाल पर कांग्रेस दाव लगाने की तैयारी में है। मेघवाल को वसुंधरा करीबी माना जाता है और इसी के चलते उन्हें बीजेपी से निकाल दिया गया है। अब मेघवाल कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मेघवाल ने राजस्थान बीजेपी गुटबाजी पर तंज कसते हुए कहा कि आज गुटबाजी के चलते राजस्थान बीजेपी समाप्त हो गई है। हालात ये हो गए हैं कि यहाँ पर सारा नेतृत्व प्रधानमंत्री से लेकर दूसरे मंत्रियों, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा और दूसरे प्रदेशों के नेताओं को संभालना पड़ रहा है। ये अपने आप में इस बात का परिणाम है कि राजस्थान में गुटबाजी नीचे बिखरी हुई है और यहाँ के हालात ठीक नहीं है। पहले तो वसुंधरा राजे के साथ जो लोग थे वो उनके खेमे के लोग माने जाते हैं। उनके हर स्तर पर उपेक्षा की गई, उनको अपमानित किया गया, उनके स्वाभिमान पर चोट की गई। विधानसभा में भी यही हाल रहा। वसुंधरा के समर्थक माने जाने वाले विधायकों को विधानसभा में बोलने में प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। कई अवसर तो ऐसे आए कि जब पूर्व मंत्री रहे विधायकों के विभाग के बारे में बोलने का मुद्दा उठाया तो वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाने के कारण उन विधायकों को बोलने तक नहीं दिया गया। हालात ये थे कि बीजेपी विधायक दल की बैठक का बहिष्कार तक वसुंधरा समर्थकों को करना पड़ा था और ये बहिष्कार सिर्फ बोलने के अधिकार को लेकर करना पड़ रहा है। विधायक सरकार खिलाफ बोलना चाहते थे लेकिन पार्टी गहलोत खिलाफ बोलने पर रोक लगा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दनौदर्पण न्यूज़।